नेक्स्ट चैप्टर इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, मीन्स जो हमारे मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है एंड इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, दो कंडीशन होती है हमारे पास, एक होती है मोनोशियस मोनोशियस एंड सेकंड होती है डायोशियस डायोशियस। जो हमारे मोनोशियस होते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बोथ सेक्स सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म, एंड डायोशियस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक ऑर्गेनिज्म पर एक ऑर्गेनिज्म में वन सेक्स के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड, या तो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल एक ही हो और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें क्या आते हैं हमारे लोअर एनिमल एंड हायर प्लांट, लोअर एनिमल एंड हायर प्लांट। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं सम प्लांट एंड जो अपर एनिमल्स होते हैं, जो लार्ज एनिमल होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक टर्म आती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन्स जो हमारे मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म है उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फिजियोलॉजी बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, अब आता है कि जो हमारे अर्लियर टाइम मीन्स जो में माना जाता था कि जो हमारा सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ वॉर्म्स। ठीक है, कंडीशन ऑफ वॉर्म्स लाइक टेम्परेचर एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंडीशन ऑफ वॉर्म अप टू 19th सेंचुरी मीन्स जब तक मेंडेलियम का इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं आया तब तक ऐसा ही माना जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या माना जाने लगा कि जो सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन क्रोमोजोमल पैटर्न्स, कि जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं वो किस पैटर्न में अरेंज है इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो मेल है या फीमेल। ठीक है, एंड जो ये पैटर्न मीन्स जो हमारे क्रोमोजोम कैसे इनहेरेंट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है, इसके लिए भी माना गया कि जो मेंडेलियन ने ला दिया था इनहेरिटेंस का उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमारे जो एक्स वाई मैकेनिज्म आया। ठीक है, जो सबसे पहले एक्स क्रोमोजोम को जिसने डिस्कवर किया था वो था एच हैंकिंग इन 1891। ठीक है, जिसने एक्स क्रोमोजोम को डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, अब जो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है और टाइप है ये फॉलोइंग है, दैट इज फर्स्ट इज हेट्रोगैमेटिक मेल, हेट्रोगैमेटिक मेल। ठीक है, हेट्रोगैमेटिक मेल्स मीन जो हमारे जो सेक्स क्रोमोजोम होंगे ऑर्गेनिज्म के उसमें मेल का जो सेक्स क्रोमोजोम होगा वो हेट्रोगैमेटिक होगा, लाइक दिस एक्स वाई दैट इज प्रेजेंट इन मेल ड्रोसोफिला एंड हुमन एंड एक्स जीरो। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन ग्रास ऊपर। ठीक है, अब या बग ग्रास ऊपर एंड बग, हम फर्स्ट केस लेते हैं। ठीक है, और इन जो हमारी इस केस में जो हमारी फीमेल होगी वो होगी होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक दैट इज एक्स एंड एक्स। ठीक है, अब जो फर्स्ट केस है इसमें है हमारा एक्स जीरो दैट इज मेल एंड एक्स एक्स फीमेल। ठीक है, मीन्स इस टाइप का सिंबल टाइप ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा मेल होगा उसके पास एक सेक्स क्रोमोजोम में एक एक्स क्रोमोजोम है एंड सेकंड जो सेक्स क्रोमोजोम है एब्सेंट है, मींस जो हमारा मेल ऑर्गेनिज्म है वो हेट्रोगैमेटिक है। बट इन फीमेल में क्या है कि जो हमारा फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोजोम है, मींस ये क्या है, होमोगैमेटिक। ठीक है,
जो सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मीन्स जो न्यू वन प्रोड्यूस होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, उसका सेक्स किस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा फ्यूजन हो रहा है एग का, ठीक है, एग का एंड स्पर्म का, कौन से टाइप के स्पर्म का हो रहा है, ठीक है, जिस गैमेट में एक्स क्रोमोजोम है उसका हो रहा है या जिस गैमेट में एक्स क्रोमोजोम नहीं है उसका हो रहा है। यदि एक्स क्रोमोजोम का एक्स स्पर्म का फ्यूजन होता है एग के साथ, तो हमको जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो फीमेल होगा, एंड जिस गैमेट में एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं है उसका यदि फ्यूजन होगा एग के साथ तो हमको मेल ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ठीक है। ये किस टाइप का मैकेनिज्म है? ये प्रोटोनेरिया टाइप का है, ठीक है, प्रोटोनेरिया, प्रोटोनियर टाइप। और इसको प्रोटोनियर टाइप क्यों बोला गया है? क्योंकि जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ये हुआ था प्रोटोनियर बग्स में, और उनमें क्या कंडीशन थी कि जो हमारा जो मेल था वो हेट्रोगैमेटिक था, दैट इज एक्स जीरो, ठीक है, एंड इट कंटेन 12 ए क्रोमोजोम, मीन्स ऑटोसोम उसके पास 12 थे, ठीक है, और दो सेक्स क्रोमोजोम थे, मीन्स एक एब्सेंट था, ठीक है, मीन्स हमारा जो मेल था उसके पास 13 क्रोमोजोम थे, ठीक है, एंड जो फीमेल थी उसके पास दो एक्स क्रोमोजोम थे, ठीक है, प्लस 12 ऑटोसोम थे, ठीक है, एंड जो हमारी गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी दैट इज 12 ए प्लस एक्स, ठीक है, और सेकेंड गैमेट की फॉर्मेशन होगी दैट इज 12 ए प्लस जीरो, मीन्स यहाँ पर कोई एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर जो गैमेट की फॉर्म होगी वो होगी 12 ए प्लस एक्स, मीन्स ये होमोगैमेटिक है तो यहाँ पर एक ही गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म, दे रिप्रोड्यूस लाइक दिस। यदि हमारे फीमेल गैमेट का मेल एक्स मेल गैमेट, जो गैमेट एक्स क्रोमोजोम कंटेन कर रही है उसके साथ फ्यूजन होता है तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बनेगा दैट इज फीमेल, ठीक है। और ऐसे ही इस गैमेट का हमारा इसके साथ फ्यूजन होगा तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा दैट इज मेल, ठीक है। जो गैमेट फॉर्म होगी तो हमारे जो ऑटोसोम के नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारे बग्स में, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल इन ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर। इनमें क्या होते हैं, जो हमारे 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्लस एक्स जीरो इन मेल, ठीक है, एंड फीमेल में क्या होगा 2n प्लस एक्स एक्स इन फीमेल, ठीक है। गैमेट फॉर्म इज सेम लाइक दिस एंड लाइक दिस। यहाँ पर क्या है, ये होमोगैमेटिक है, मीन्स n प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर होगा n प्लस एक्स और n प्लस जीरो, ठीक है। जहां पर जो फ्यूजन होगा इनमें बनेगा हमारे टू टाइप के ऑर्गेनिज्म, एक इज मेल, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल लाइक दिस। यदि हमारा जो क्रोमोजोम मीन्स जो हमारा स्पर्म कॉन्टेन कर रहा था एक्स क्रोमोजोम के साथ फ्यूज हुआ तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा वो होगा फीमेल, और जो एक्स क्रोमोजोम कॉन्टेन नहीं कर रहा था उसके साथ यदि फ्यूजन हुआ तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो होगा मेल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप, ठीक है, सेकंड इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई, दैट इज फीमेल एंड दैट इज मेल, ठीक है, टाइप। इसमें क्या होगा, जो हमारा ये किस में पाया जाता है, ये होता है ह्यूमंस के केस में एंड ड्रोसोफिला के केस में, ठीक है, और ये जो हमारा मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, ठीक है, ये टू टाइप की गैमेट कंटेन करता है, हेट्रोगैमेटिक टू टाइप की गैमेट कंटेन करता है दैट इज एक्स एंड वाई। यदि हमारी एक्स प्रेजेंट है दैट इज जिम्नोस्पर्म गाइनोस्पर्म सॉरी गाइनोस्पर्म एंड ये होगी एंड्रोस्पर्म, और वाई होगा तो हमारा एंड्रोस्पर्म। यदि हमारे स्पर्म एक्स
एक्स क्रोमोजोम कंटेन कर रहा है और एक्स के साथ फ्यूज होगा तो हमारा बनेगा फीमेल, एंड वाई के साथ फ्यूजन कर रहा है तो हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा मेल, लाइक दिस। ठीक है, 2n+XX फ्रॉम फीमेल, ठीक है, एंड 2n+XY फ्रॉम मेल। ठीक है, जो हमारी गैमेट बनेगी वो कॉन्टेन करेगी 2n n+X, ठीक है, और यहाँ पर जो गैमेट बनेगी दैट इज स्पर्म। ठीक है, टू टाइप की स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, n+X और n+Y। ठीक है, यदि फ्यूजन इसके साथ हो रहा है, ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा 2n+XY दैट इज मेल। ठीक है, और इसके साथ हो रहा है तो हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा 2n+XX दैट इज फीमेल। ठीक है, ये जो हमारे सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका है दैट इज लाइगेसियस। और इसको लाइगेसियस क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ये लाइगेसियस बग में हुआ था। ठीक है, अब सेकंड केस आता है हमारा, जिसमें अब तक हमारी जो फीमेल थी होमोगैमेटिक थी बट जो मेल था वो हेट्रोगैमेटिक था। ठीक है, अब हमारी आएगी हेट्रोगैमेटिक फीमेल। ठीक है, अब जो हमारी हेट्रोगैमेटिक फीमेल, ठीक है, मींस जो हमारी फीमेल होगी वो इस कंडीशन में होगी या इस कंडीशन में, Z0 या ZW, एक क्रोमोजोम होगा और सेकंड एब्सेंट होगा, और सेकंड केस है कि हमारा दोनों जो क्रोमोजोम होंगे वो डिफरेंट होंगे, और दैट इज हेट्रोगैमेटिक फीमेल। जो हम फर्स्ट लेते हैं इसमें Z0 फीमेल एंड ZZ दैट मेल इज इन दिस केस इज होमोगैमेटिक, इसमें जो मेल होगा वो होमोगैमेटिक होगा। ठीक है, टाइप, ये हमारी जो बटरफ्लाईज मोथ्स होती हैं, डोमेस्टिक चिकन्स होते हैं, उनमें इस टाइप का मैकेनिज्म पाया जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई मोथ, ठीक है, एंड डोमेस्टिक चिकन, इसमें क्या होता है, जो हमारे फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास क्या होती है, 2n नंबर ऑफ ऑटोसोम प्लस 2a ऑटोसोम प्लस Z0 सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, जो मेल होगा उसके पास होगा 2 मीन्स डिप्लोइडी कंडीशन प्लस Z होमोगैमेटिक कंडीशन। ठीक है, जो हमारे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वो होगी A+Z। ठीक है, एक टाइप का स्पर्म प्रोड्यूस होगा और जो एग की फॉर्मेशन होगी वो टू टाइप की होगी। ठीक है, A+Z और एक होगा A+0 मीन्स यहाँ पर सेक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है। अब हमारे जो ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिपेंड करेगा कि जो हमारा एग है वो जो स्पर्म है वो कौन से एग के साथ फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, यदि हमारा एग फर्टिलाइज करता है यदि हमारा स्पर्म फर्टिलाइज करता है उस एग के साथ जिसके पास एक्स क्रोमोजोम मीन सेक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा दैट इज फीमेल। ठीक है, और यदि स्पर्म उस एग के साथ फर्टिलाइज करता है जिसके पास सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा दैट इज मेल। ओके, अब इसमें सेकेंड टाइप आता है जिसमें जो हमारी ZW, ठीक है, एंड ZZ, जो ZW होगी हमारी फीमेल होगी और ZZ होगी हमारे मेल होगी, और ये किन में पाया जाता है, ये मेनली बर्ड्स में पाया जाता है। ठीक है, बर्ड्स में, इसमें क्या होगा, जो हमारा फीमेल होगी हेट्रोगैमेटिक है, 2a+ZW सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, दैट इज फीमेल, एंड मेल होगा वो हमारा होगा 2a+ZZ। ठीक है, गैमेट फॉर्म होगी, मेल में कौन सा स्पर्म, एक टाइप के स्पर्म की फॉर्मेशन होगी a+Z, बट फीमेल में टू टाइप के एग की फॉर्मेशन होगी, दैट इज a+Z, ठीक है, और a+W। अब डिपेंड करेगा सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि जो हमारा स्पर्म है कौन से एग के साथ फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, यदि हमारा स्पर्म फर्टिलाइज करता है W के साथ 2a+ZW, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा दैट इज फीमेल। ठीक है, एंड यदि हमारा
स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग के साथ दैट कंटेन जेड सेक्स क्रोमोजोम, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा दैट इज मेल. ओके, अब नेक्स्ट आता है जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म. जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म, एक साइंटिस्ट हुआ थे जो थे सीबी ब्रिज. सीबी ब्रिज ने ड्रोसोफिला पर वर्क किया, ठीक है, ड्रोसोफिला, एंड कंक्लूजन क्या निकाला कि जो हमारा एक्स क्रोमोजोम होता है वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो फीमेल सेक्स होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है, फीमेनाइज के लिए, ठीक है. और जो ऑटोसोम्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं मेल सेक्स को, डिटरमाइन मेल सेक्स को, ठीक है. बट हेयर ही सेड दैट कि जो वाई क्रोमोजोम होता है उसका वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिटर्मिनेशन ऑफ मेल, ठीक है. जो हमारे सेक्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगी हमारा जो एक्स क्रोमोजोम है एंड ऑटोसोम है उनके बैलेंस पर, ठीक है, बैलेंस बैलेंस बिटवीन एक्स एंड ए क्रोमोजोम, ठीक है. सीबी ब्रिज सेड दैट कि जो हमारा एक्स एंड ए का जो रेशियो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका सेक्स क्या होगा, ठीक है. यदि एक्स और ए का रेशियो 1 आया, ठीक है, 1, तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो फीमेल इन सेक्स होगा, ठीक है. और यदि हमारा एक्स और ए का जो रेशियो आया 0.5, ठीक है, तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो मेल होगा, ठीक है. और यदि हमारे जो एक्स और ए का रेशियो, एक्स एंड ए का रेशियो इन बिटवीन 0.5 to 1 आया तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इंटरसेक्स होगा, इंटरसेक्स, ठीक है. और यदि हमारा एक्स और ए का जो रेशियो आया 1.5, ठीक है, तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा वो सुपर फीमेल, ठीक है. एंड यदि एक्स और ए का रेशियो आया हमारा लेस देन 0.5, ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा सुपर मेल, ठीक है. ये जो डिस्कवरी हुई इन ये हुई ड्रोसोफिला में, ठीक है, ड्रोसोफिला. अब नेक्स्ट आता है जो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन में जो वाई का रोल, ठीक है, रोल ऑफ वाई क्रोमोजोम ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन, रोल ऑफ वाई क्रोमोजोम क्रोमोसोम्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशंस, ठीक है. जो हमारा वाई क्रोमोजोम होता है वो डिटरमाइन करता है मेल सेक्स को, ठीक है. जो हमारा ड्रोसोफिला और मेंस में है हमारा एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप, ठीक, यदि हमारे इस टाइप का सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिज्म होगा फीमेल, ठीक है. बट इफ एक्स के साथ यदि वाई प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म होगा मेल, मीन्स हमारा जो वाई क्रोमोजोम है वो हमारे एक्स क्रोमोजोम के एक्स क्रोमोजोम को सप्रेस कर रहा है, ठीक है. एक्स क्रोमोजोम सप्रेस बाई वाई क्रोमोजोम, ठीक है. ये जो हमारे एक्स क्रोमोजोम के फेमिनाइजिंग करेक्टर है उसको कंप्लीटली सप्रेस कर रहा है, ठीक है. और इसका जो कंक्लूजन निकला वो था कि जो हमारा सिंड्रोम है, ठीक है,
अबनॉर्मलिटी जो अराइज हो रही हैं, एक है टर्नर सिंड्रोम जिसमें जो हमारा सेक्स क्रोमोजोम इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक्स प्लस जीरो, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स ये जो इंडिविजुअल होते हैं विद टर्नर सिंड्रोम जिनमें एक एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा और सेकंड एब्सेंट होगा, ठीक है। नॉर्मली ये फीमेल होंगी, ठीक है, नॉर्मली फीमेल, ठीक है, नॉट नॉर्मल फीमेल, ठीक है, बट स्टीराइल, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फीमेल होंगे बट स्टीराइल फीमेल होंगे, ठीक है। और इनमें जो ऑर्गेन्स की डेवलपमेंट होगी वो लेस होगी, मीन्स हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है। मीन्स इनमें जो अबनॉर्मलिटी अराइज होगी उनकी जो शॉर्ट स्टेटर होगी, ठीक है, स्टेटरा शॉर्ट, चेस्ट आर सील्ड चेस्ट, ठीक है, प्रोनाउंस वेबिंग एंड जो हमारे फोर्थ मेटाकार्पल होंगे वो स्मॉल इन साइज में, ठीक है। एक सेकेंड सिंड्रोम आता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इनमें क्या होता है जो हमारा एक्स एक्स एंड वाई, ठीक है, इस टाइप का जो सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा, यहाँ पर क्या है, टू एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है, एंड एक वाई क्रोमोजोम है। ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे मेल ऑर्गेनिज्म विद सर्टेन फीमेल करैक्टर। और इनमें क्या होगा, जो हमारे बोथ टाइप की जो सेक्स सेल है दैट इज टेस्टिकुलर एंड ओवरियन फॉलिकल सेल, ठीक है, फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो हमारे ट्रू हेरमोफेरोडिटिज्म को शो करते हैं, ठीक है। कैसे शो करते हैं कि जो हमारे हेरमोफेरोडाइट्स ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मोनोसिस मींस बोथ सेक्स प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म एंड हेयर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई, मींस जो हमारे ऑर्गेनिज्म है मेल ऑर्गेनिज्म है विद सर्टेन फीमेल करैक्टर, ठीक है, मीन्स इसमें जो हमारे टेस्टिकुलर एंड फोलिकुलर सेल्स दोनों ही प्रेजेंट है। ये जो टेस्टिकुलर सेल्स होती हैं ये मेल सेक्स को डिटरमाइन करती हैं, जो फोलिकल्स फीमेल को, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो ट्रू हेरमोफेरोडिटिज्म, ठीक है। सिमिलर केस ड्रोसोफिला में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है ड्रोसोफिला में 2A+XXY ये कंडीशन पाई जाती है, जो कि ह्यूमन के क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से रिजेंबल करती है, ठीक है। ये जो हमारा X0 और XXY क्यों अराइज हुआ, क्योंकि जो हमारी मियोसिस होती है उसमें सर्टेन अबनॉर्मलिटीज के कारण, ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं हुआ, डिसजंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स मीन्स या तो हमारे जो मेल थे उसमें नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ और या फिर फीमेल में, ठीक, जिसके कारण हमारी जो कंडीशन बन गई वो एक्स एक्स वाई हो गई, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म था ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक जो गैमेट थी उसमें सेक्स क्रोमोजोम की एंट्री नहीं हुई, ठीक है, जिससे हमारी ये कंडीशन अराइज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेल हैप्लोइडी, ठीक है, मेल हैप्लोइडी। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेल ऑर्गेनिज्म होगा वो हैप्लोइडी नेचर में होगा,
ठीक है। और जो फीमेल होगा वो डिप्लोइड इन नेचर में होगा, डिप्लोइड, जो डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म होगा वो होगी फीमेल, एंड जो हैप्लोइड होगी वो होगी मेल, ठीक है। ये जो कंडीशन पाई जाती है मेनली पाई जाती है हाइमेनोप्टेरस इंसेक्ट्स में, हाइमेनोप्टेरस इंसेक्ट्स, ठीक है। जैसे एंट बी, एंट बी वास्प, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कंटेन करते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, दैट इज 32, एंड दिस कंडीशन फॉर फीमेल, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल होती है वो डिप्लोइड नेचर होती है, बट जो मेल होता है उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 16, और जो ये हो गए हमारा हैप्लोइड नेचर, ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म होगा दैट इज मेल, ठीक है। जो हमारा मेल डेवलप होगा वो होगा डेवलप पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से, और जो फीमेल डेवलप होगी वो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से डेवलप होगी, ठीक है। और ये हम एग्जांपल लेते हैं इसमें हनी बी का, ठीक है। हनी बी जो हमारी जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है वो कंटेन करती है 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, बट जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है कंटेन करता है n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। इसमें जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी बाय द नॉर्मल मिटोसिस प्रोसेस से होगी, ठीक है। हेयर मियोसिस डजंट टेक प्लेस, ठीक है, तो जो हमारा क्रोमोजोम होगा वो n नंबर ऑफ, जो स्पर्म होगा n नंबर ऑफ क्रोमोजोम कंटेन करेगा, और जो फीमेल होगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगी गैमेट्स में, एंड दैट इज मीन्स जो हमारी सेल होगी वो हो जाएगी कन्वर्ट गैमेट में, एंड बोथ सेल कंटेन एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। यदि हमारी जो एग है उसका हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा दैट इज फीमेल, ठीक है। बट यदि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यदि डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में, तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो होगा मेल, ठीक है। जो फीमेल होगी इसकी हमारी जो हनीबी में दो कैटेगरी होगी, एक होगी वर्कर एंड सेकेंड होगी क्वीन, और जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ है दैट इज मेल, दैट इज ड्रोन, ओके।